एक्सरसाइज 6.1 में हम देखो क्या करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा हमें, कह रहा इन फिगर 6.13 ये हमें फिगर दे रखी है, कह रहा लाइन ए बी एंड सी डी ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट एट ओ, ए पे वो काट रही है हमारे पास। कह रहा इफ ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो कितने डिग्री का है वो, 70 डिग्री का एंगल आता है। कह रहा है बी ओ डी ये मेरे को कितना दे रखा है, ये मेरे को 40 डिग्री का दे रखा है, 40 डिग्री का बी ओ डी। कह रहा फाइंड क्या करना है मेरे को, बी ओ ई मुझे ये फाइंड करने का बोला है, मुझे इन दोनों का सम दे रखा है लेकिन मुझे अकेले ये निकालना है। और क्या रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल यानी ये वाला निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हो गया, उसका रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास ये हो गया। तो सबसे पहले अगर हमें ऐसे दे रखा है तो आप सबसे पहले लिख लो गिवन, हमें गिवन क्या दे रखा है, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई कितना हो गया हमारा 70 डिग्री। और क्या दे रखा है, एंगल बी ओ डी कितना दे रखा है 40 डिग्री। उसके बाद लिख लो टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई निकालना है। और क्या निकालना है, कॉमा करो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ठीक है। अच्छा अगर हमें बी ओ ये दो लाइन है हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एंगल ए ओ सी किसके बराबर, देखो ए ओ सी किसके बराबर है, बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी रीज़न क्या देंगे इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप फुल फॉर्म लिखना क्योंकि स्कूल वाले कई बोलते हैं कि फुल फॉर्म ही लिखना पड़ता है, ठीक है, शॉर्टकट मत लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अब एंगल ए ओ सी कितने का हो जाएगा हमारे पास, ये कितना दे रखा 40, अब हमें लिख देंगे बिकॉज क्योंकि एंगल बी ओ डी मेरे को दे रखा है 40 डिग्री, तो मेरा 40 हो गया, तो मेरे को ए ओ सी निकल गया, ये मेरा 40 निकल गया। जब ये 40 निकल गया तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, इन दोनों का सम कितना था 70 था, तो अगर मेरा ये 40 है तो 30 होगा, लेकिन मेरे को दिखाना पड़ेगा, उन्होंने बोला निकालना है, मैं दिखाना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू में 70 डिग्री। ये मेरे को क्या है, ये तो मेरे को गिवन दे रखा है। अच्छा अब ये मेरा कितना निकला, 40 डिग्री निकला है, अब मेरे को ये निकालना है बी ओ ई 70 डिग्री बी ओ ई, अब एंगल बी ओ ई यहीं रह गया। अब ये जो 40 है वो इधर से इधर चलेगा, 70 माइनस में 40 तो एंगल बी ओ ई कितना निकल गया मेरा 30 डिग्री, यानी मेरे को बोला था बी ओ ई निकालने का, ये रहा बी ओ ई, ये मेरा 30 निकल गया, ये पहले था बी ओ ई निकालने का। अब उसने रिफ्लेक्स एंगल क्या बोला है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, अगर मेरे को सी ओ ई निकल जाएगा तो मैं इसका रिफ्लेक्स भी निकालूंगा, ये जो अगर पूरा निकल गया तो मैं 360 में से पूरे 360 में से माइनस कर लूँगा तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकल जाएगा। अब ये निकालने के लिए ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ से इनका सम कितना होगा 180 होगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या एंगल क्या चीज ए ओ सी प्लस में, और ये क्या था बी ओ ई एंगल प्लस में बी ओ ई प्लस में सी ओ ई दिस प्लस में सी ओ ई इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे 180, कितना 180। और रीज़न क्या देंगे पता है आपको, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर मत लिखना, इसमें दो नहीं है, जब भी दो से ज़्यादा एंगल आ जाए बीच में ऐसे बनाने को, ऐसे भी दो से ज़्यादा आ जाए, देखो 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन लिखोगे, लीनियर पेयर नहीं लिखोगे, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब आपको ए ओ सी और बी ओ ई ये तो आपको दे रखा था पहले से, 70 भी दे रखा है आपको, ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों की जगह हमें दे रखा है 70, वैसे हमने अलग अलग भी निकाल लिया लेकिन अब जब दोनों का दे रखा है तो 70 लिख लो,
वैसे तो हमने अलग भी निकाल रखा है, ये 40 होगा और ये 30 है, तो अलग भी लिख सकते हो इकट्ठे भी लिख सकते हो। आप इनको ऐसे करके इकट्ठे भी लिख लो, 70 हमने इन दोनों का सम इकट्ठे दे रखा, 70 प्लस में COE 180। आप इधर से इसको इधर ले आओ तो एंगल COE ये कितना हो गया 180 माइनस में 70। अब हमारा एंगल निकल गया COE, कितना निकल गया COE 110। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये निकल जाता है COE तो आपको क्या निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। देखो COE ये निकल गया आपका। अब रिफ्लेक्स एंगल के लिए मैं 360 में से 360 ये पूरा होता है 360 में से ये माइनस कर देता हूँ तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। अब हम रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं, देखो रिफ्लेक्स एंगल COE, COE ये कैसे निकलेगा, 360 में से माइनस कर देंगे एंगल COE 360 और COE हमारा कितना निकला था 110 तो हमारा ये कितना रह गया 250। तो मेरा देखो ये जो मेरे को था ये मेरा था COE निकला था, COE मेरा कितना निकला था 110। अब पूरे में से मैंने इस पूरे में से देखो इस पूरे में से मैंने ये एंगल माइनस कर दिया तो मेरे पास ये बच गया इधर का, ठीक है ना। तो बस ये मेरा आंसर हो गया। तो 360 में से एंगल माइनस कर दिया मैंने COE, तो COE मेरा 110 निकला था, 110 निकला था और 360 में से मैंने 110 माइनस कर दिया तो 250 मेरा आंसर आ गया। तो मेरे को दो ही पूछा था उन्होंने, एक मेरा आंसर ये आ गया रिफ्लेक्स एंगल COE, एक मेरा आंसर ये आ गया और दूसरा मेरा आंसर ये BOE पूछा था, मेरा BOE। ठीक है, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो कैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।